6 सितंबर योम दिफा जिम्मेदारी और तजदीद अहदे वफा का दिन। आज पूरी कौम मिली जोश जज्बे के साथ योम दिफा मनाएगी। 6 सितंबर 1965 को भारत की जानिब से लाहौर पर किए गए हमले को पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए नाकाम बनाया। पाक फौज की वाहगा बाजर और बेदियां के मुकाम पर बरवक्त कार्रवाई ने भारतीय हमला पिस्पा करते हुए भारतीय नुकसान से दो चार किया और मौसर कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों को जंगी कैदी बना लिया। पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस लाहौर के महाज पर मुतादिद भारतीय टैंक बंदूकें और दीगर जंगी साजो सामान तबाह किया गया। जसर के मुकाम पर घुमसान की जंग के बाद दरियाए रावी का जनूबी इलाका भारतीय तसल्लुत से आज़ाद करवा लिया गया। भारतीय फौज को छंप के मुकाम पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाक फजाइया ने पठानकोट के हवाई अड्डे पर कामयाबी से हमला करते हुए भारत के 22 जहाज तबाह किए। जंग में पाकिस्तानी अवाम का जोश और जज्बा दीदनी था। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान का 58वें यौम दिफा पर शहदा और उनके लवाहिकीन को ज़बरदस्त खराज अकीदत। पैगाम ने कहा, 6 सितंबर 1965 को हक़ व बातिल के मार्के ने यह साबित किया कि गयूर कौम अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए हम वक्त तैयार है। जंग सितंबर हमारी तारीख में गैर मुतजलजल कौमी अज़्म की यादगार है। दिफाई वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को सलाम पेश करते हैं। हमारे गाजियों के कारनामे काबिले फ़ख्र हैं। फौजी जवानों ने लाहौर सियालकोट दिगर सेक्टर्स पर हमलों पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर मुमलिकत का 6 सितंबर योम दिफा पर पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि मुल्क का दिफा सिर्फ 6 सितंबर तक ही महदूद नहीं है, रहती दुनिया तक वतन की हिफाजत का अज़्म करना है। मुल्क की सालियत के खिलाफ नापाक अजायम नाकाम बनाने के लिए कौम बहादुर अफवाज के साथ है। जम्मू कश्मीर का देरीना तनाज़ खित्ते के अमन व सलामती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आलमी बरदारी को आगे बढ़कर इस हमले के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। यौम दिफा के मौके पर नया तराना जारी। तराने के दिल को छू लेने वाले बोल खलीलुर रहमान कमर ने लिखे हैं। गाना उस्ताद राहत फतेह अली खान ने अपने खूबसूरत आवाज में गाया है। फौजी जवान दिन रात मुल्क की हिफाजत करते हैं, मेरे बच्चे भी जान कुर्बान करने से दरेक नहीं करेंगे। यौम दिफा पर शहदा के लवाहिकीन का पैगाम। हवालदार अब्दुल गफूर शहीद की बेवा का जज्बात का इजहार। हवालदार अब्दुल गफूर के बेटे का भी पाक फौज में जाने की आज़म और कहा कि मैं भी बाबा की तरह शहादत हासिल करूँगा। इसमें हमारे पाकिस्तान की अफवाज का जो किरदार है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जितने भी पाकिस्तानी हैं अपने शहीदों की वजह से, अपने मुल्क के दिफा की वजह, उनकी वजह से ही हम अपने मुल्क में आज़ादी की सांसें लेते हैं, चैन की नींद सोते हैं। हमारे जवानों ने दफाए वतन में अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए पाकिस्तान के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। 6 सितंबर को पाकिस्तानी फौज का किरदार कभी भुलाया नहीं जा सकता। यौम दिफा के मौके पर नामवर शख्सियात ने जज्बात का इजहार किया। गुलुकारा राहत बानो कहती हैं, भारतीय फौज को 1965 की जंग में बहुत जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। सुरैया मुल्तानिकर ने कहा, शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत ही हम अपने मुल्क की आज़ाद फिजाओं में सांस लेते हैं। एथलीट अरशद नदीम बोले, ये दिन हमें इस वाकई की याद दिलाता है जब हमारे फौजियों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके मुल्क का दिफा किया। शजर अब्बास ने कहा, आए मिलकर अहद करें कि अपने शहदा के खून की लाज रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा है उज़्बेकिस्तान। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद उज़्बेकिस्तान के साथ फौजी तआवुन को बढ़ाना है। पाकिस्तानी सिपहसालार के उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ा से मुलाकात और वज़ीर दिफा और चेयरमैन एंड सेक्रेटरी स्टेट सिक्योरिटी सर्विस भी जनरल आसिम मुनीर से मिले। बाहमी तरबियती तआवुन और इंटेलिजेंस तबादले को बढ़ाने पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने उज़्बेक फौज के तरबियती मियार, इलाकाई सलामती के लिए काविशों को सराहा। वजारत दिफा आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सिपहसालार ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए।
पिशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल्स का यौम शहदा और दिफाए पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम, तलबा का वतन के महाफिजों को सलाम। प्रोग्राम का मकसद अफवाज पाकिस्तान शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना था। बच्चों ने टैबलोज पेश किए, मिली नकमे और तकारीर से शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश किया। तलबा के पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे। यौम दिफाए पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के पोस्टर्स आवेजा। श्रीनगर के मुख्य इलाकों में सिपा सालार की तस्वीर वाले पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर्स पर लिखा है कि वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीरी आवाम के हुकूक मिलेंगे। पोस्टर्स में भारत से मज़मूम एजेंडा तर्क करने का भी मुतालबा किया गया। गवादर हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। तर्जुमान पाक फिजाई के मुताबिक शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद की नमाज जनाजा H-11 कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी शरीक हुए। शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर सैयद जवाद अली शाह कराची में सुपुर्द खाक। शहीद टेक्नीशियन हसनैन हैदर की नमाज जनाजा चिन्यूट में अदा की गई। पाक चीन शाहीन मुश्तरका फजाई मशकों का आगाज़। तर्जमान पाक फजाइया के मुताबिक मशकों का आगाज़ चीन के शहर जुकवांग पंचवान में किया गया और पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे हिस्सा लेंगे। ग्राउंड अमला भी सलाहितों के जौहर दिखाएगा। मुतबादल बुनियादों पर सालाना शाहीन फजाई मशकों की मेज़बानी की जाती है। मशकें फजाई अस्करी तरीक़ाकार, ऑपरेशनल तैयारियों, कार्रवाइयों को फ़रोग देंगी। आज यौम दिफा पर आम तातील नहीं, समाजी रबते की मुख्तलिफ साइट्स और प्लेटफॉर्म्स पर 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से आम तातील का नोटिफिकेशन जारी करार। नोटिफिकेशन के वायरल होने के बाद मुख्तलिफ हलकों में आम तातील के हवाले से चहमगोइयाँ शुरू हुई और सब ने उसको फैलाना शुरू कर दिया। ताहम काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन के हवाले से वजाहत जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर 6 सितंबर की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी है। क्या अमरीकी कांग्रेस ने साइफर मामले पर तहकीकात का कहा है? अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जमान से साइफर मामले पर सवाल। वेदांत पटेल ने सहाफ़ी को जवाब दिया कि हम कांग्रेस शराकत दारों से कई मामलों पर मशवरे करते हैं, किसी एक खास मामले पर नहीं बोलेंगे। सूरत हाल पर भी गहरी नज़र है। साबिक वज़ीर-आला पंजाब परवेज़ इलाही 5वीं मरतबा गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर रिहाई मिलने के बाद जेल से बाहर आते ही परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती हुक्म के मुताबिक परवेज़ इलाही के वकील फैसला लेकर पुलिस लाइंस पहुंचे। उन्हें सिक्योरिटी अहलकारों ने मरकजी दरवाजे पर ही रोक लिया। बहस व तकरार के बाद उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिली। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गिरफ्तार किया। थाना CTD में मुकदमा दर्ज था। साबिक वज़ीर आला को आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। मुख्तसर और स्वीट फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का महफूज फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मेरी रिटायरमेंट से पहले फैसला सुनाएंगे। रेफरेंस वापसी की वजूहत से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। क्या मुबहिम कानून कायम रह सकता है? आखिर कानून के माजी से तलाक का क्या मकसद है? इसका मकसद तो ये हुआ कि सजा याफ्ता मुजरिम कहेगा कि मेरी सजा ख़त्म और पैसे वापस करो। पार्लियामेंट तो बहुत सुप्रीम है, अगर पार्लियामेंट को कवानीन पर दोबारा गौर की दरख्वास्त करें तो बीच के वक्त में क्या होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या पार्लियामेंट के पास माजी से तलाक की कानून साजी का इख्तियार नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कह सकती है कि आपने चालाकी और बदनीयती पर मबनी कानून बनाया? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पार्लियामेंट को सब कुछ करने की इजाज़त नहीं और पार्लियामेंट माजी से इतलाक का कानून बनाकर जुर्म ख़त्म नहीं कर सकती। All these decisions or the specifics would be done once we have relevant input of the experts and accordingly it would be announced it and it would be known. हुकूमत बिजली सार्फीन को रिलीफ देने के लिए हल तलाश कर रही है। गर्दिशी कर्ज, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बड़े चैलेंजेस हैं।
दो या ज्यादा बिजली तकसीम कार कंपनियों की फौरी निजकारी की जाएगी। निगरान वजीर आजम की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू, कहा बिजली और टैक्स के शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की आज़ादी है। आम इंतखाबात जल्द कराने के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। बिजली बिल्स को रिलीफ देने के लिए IPPs के 15 अरब रुपए इस्तेमाल किए जाएंगे। वजारत खजाना ने रिलीफ का नया प्लान IMF को भेज दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक रवां वाली साल IPPs को अदायगियों के लिए 15 अरब से ज्यादा इजाफी रकम रखी गई थी और मुख्तस रकम को बिजली बिल्स में रिलीफ देने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। एक साथ वसूल होने पर रकम IPPs के लिए मुख्तस की जाएगी। बिजली चोर हो जाएं होशियार। हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर ली। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का जूम पर आला सतह का इजलास। मुल्क भर के चीफ सेक्रेटरी, सूबों के पुलिस सरबराहान की शिरकत। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक इजलास में सिंगल पॉइंट एजेंडे पर गौर हुआ। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का फैसला किया गया। चोरी वाले इलाकों की फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत। लाहौर में ओवर ब्लैंक पर SDO का कहना नौकरी से फारिग। चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी महंगी की वजह अदालती हुक्म इम्तना है। कीमतों में इजाफे की राह हमवार कर दी गई है। हुक्म जल्द ख़त्म करने की ज़रूरत है वरना मजीद बहरान आएगा। शुगर मिल्स और सट्टा बाज 100 रुपये फी किलो कीमत वसूल कर रहे हैं। आईन के मुताबिक इंतखाबात का मुतालबा हमारा हक है। अवामी मंशूर के साथ जल्द मुलगीर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मरकजी और जेली तंजीमें इलेक्शन में किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाएं। आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए कारकुन मुल्क भर में घर घर पहुँचें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नासिर शाह की साबिक वजीर खारजा से मुलाकात हुई। सियासी और तंजीमी सूरत हाल से आगाह किया। ताला अगली हुकूमत सिंध में GDA और MQM मिलकर इंशाल्लाह ताला एक ऐसी प्रोग्रेस बनाएगी। ऐसे हम लोगों को के पास ऐसा बयानिया लेकर जा रहे हैं कि हुकूमत इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे। MQM और GDA अच्छी हुकूमत बनाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि अवाम को नई उम्मीद दे रहे हैं। हमारे इत्तेहाद से उम्मीद जागी है। सिंध नहीं चलेगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। सवाल किया टैंकर में पानी आता है तो नलकों में क्यों नहीं आता। कश्मीर में हिंदू बरादरी और SSP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 5 रोज से जारी रहने वाला धरना खत्म। SSP अमजद शेख की मुखबियों की जल्द बासियाबी की यकीन दहानी पर धरना खत्म करने का ऐलान किया गया। मुखबी सागर कुमार समेत दीगर मुखबियों को 2 रोज में बासियाब कराएंगे। पुलिस ने यकीन दहानी करवा दी। कश्मीर में धरने के हक में सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी धरने दिए जा रहे थे। समात के शहर मंगूरा में जालिम बाप ने मासूम बच्चे पर कयामत ढा दी है। नन्हे फरिश्ते के सामने मां कत्ल। घरेलू नाचौकी पर मुलजिम ने बीवी को सरे बाजार गोली मार दी। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए सईदो शरीफ हॉस्पिटल मुंतकिल। मासूम बच्चा मां की लाश के करीब बैठा रोता रहा। दर्दनाक मंजर सोशल मीडिया पर वायरल। सारिफीन ने गम गुस्से का इजहार किया। कराची के गुलशन हदीद स्कूल जिंसी स्कैंडल में गैंग मुलव्वस होने का इंकशाफ। मलिक कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया मुलजिम अकेला नहीं पूरा ग्रोह है। अब तक 45 से ज्यादा मुतासर खवातीन का पता चला है। मुलजिम से बरामद होने वाले मोबाइल फोन का फॉरेंसिक भी कराना है। मरकजी मुलजिम का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड इरफान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। DC मलिर ने स्कूल को सील कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आजाद। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक N में फायरिंग से एक शख्स जाबहक, 2 अफराद जख्मी। साइट सुपर हाईवे पुलिस की बंगाली मोड़ के करीब कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान राशिद अली मोहम्मद सज्जाद से असलाह, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। मस्कन चौरंगी के करीब डकैती मुजामत पर फायरिंग से बाप जख्मी। 6 माह की बेटी यशल भी मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी। सोहराब घोट पुलिस की गन्ना मंडी के करीब कार्रवाई। मुखबी शख्स कार समेत बासिया।
एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप के वेन्यू की तब्दीली से इनकार। सुपर फोर के श्रीलंका के तमाम मैचेस कोलंबो में ही खेले जाएंगे। पाक भारत टाकरा कोलंबो में 10 सितंबर को होगा। बारिश की सूरत में मैच के लिए रिजर्व दिन रख दिया गया है। पाक भारत मैच के टिकट की कीमत 19 लाख रुपए से भी तजावज कर गई। शायकीन की बड़ी तादाद टिकट्स हासिल करने के ख्वाहां है। ब्लैक में टिकट की कीमत 19 लाख भारतीय रुपए से जायद हो गई है। अहम मार्के के टिकट महज 6 घंटों में फरोख हो गए। एशिया कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच आज होगा। पाकिस्तान ने 11 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की गई है। ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की जगह ले ली है। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान सुपर फोर का पहला मैच कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंका ने सुपर फोर मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अफगानिस्तान एशिया कप के सुपर फोर मरहले से बाहर हो गया है। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 2 रन से शिकस्त दे दी है। ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी ने लाहौर दौर का आगाज कर दिया। PCB के मुताबिक ट्रॉफी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंची है। ट्रॉफी ने जून में इंडिया से सफ़र का आगाज किया था। ट्रॉफी को तारीखी मुकामात पर ले जाया जाएगा। क्रिकेट फैंस को ट्रॉफी देखने का मौका फराहम किया जाएगा। मीडिया के लिए ट्रॉफी कल नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रखी जाएगी। मेक्सिको के मुख्तलिफ हिस्सों में आसमान में एक शमसी होल बन गया है। लोग गैर यकीनी नज़ारा देखकर हैरत में मुब्तला हैं। माहिरीन के मुताबिक ये कोई आम वाकया नहीं है। ग्लूकार आसिम अजहर ने एक बार फिर आवाज़ का जादू जगा दिया। नया गाना चंद माहिया रिलीज कर दिया। गाने की वीडियो में आसिम अजहर को डांस करते हुए भी देखा जा सकता है। और एक पुरसकून घर से अजीबोगरीब शोर आने लगा। घर के अफराद के लिए जान बचाना भी मुश्किल हो गया। हॉलीवुड हॉरर फिल्म नो वन विल सेव यू का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 सितंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।